इटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब में प्रथम हिमाचल प्रदेश छात्रा वाहिनी सोलन द्वारा आयोजित किए जा रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में बुधवार को समूह मुख्यालय शिमला के समादेशक ब्रिगेडियर ललित जोशी ने शिरकत की। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। इटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब में प्रथम हिमाचल प्रदेश छात्रा वाहिनी सोलन द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए एनसीसी समूह मुख्यालय शिमला के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर ललित जोशी ने बड़ू साहिब का दौरा किया। बड़ू साहिब पहुंचने पर कैंप कमांडेंट AS घुम्मन और अन्य अधिकारियों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। ब्रिगेडियर जोशी ने गार्ड का निरीक्षण किया, उसके बाद एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया और उन्हें सलामी दी गई। एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर जोशी ने एनसीसी के ABC सर्टिफिकेट के महत्व पर जानकारी दी, साथ ही एनसीसी कैडेट्स को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया और अच्छे व जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज सेवा में अपना अहम योगदान देने के लिए प्रेरित किया। ब्रिगेडियर ललित जोशी ने एनसीसी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे बच्चों में जहां अनुशासन बनता है, वहीं समाज सेवा और राष्ट्र भावना भी जागृत होती है। उन्होंने एनसीसी को बच्चों के शिक्षा काल में सबसे बड़े एक्सपोजर का माध्यम बताया। ब्रिगेडियर ललित जोशी ने एनसीसी कैडेट्स के लिए सेना में नौकरी पाने के लिए भी बेहतरीन मंच करार दिया। बड़ो साहिब में हमारा एनुअल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जो कि 1HP गर्ल्स बटालियन सोलन चला रही है। इसमें सारी हिमाचल की गर्ल्स कैडेट्स हिस्सा ले रही हैं। इसमें कई चीज़ें हम उनको करा रहे हैं, फायरिंग करा रहे हैं, मैप रीडिंग करा रहे हैं, ड्रिल करा रहे हैं, कुछ मेडिकल रिलेटेड चीज़ें करा रहे हैं, ताकि वो एक अच्छे नागरिक हमारे देश के बन सकें और अपनी सोसाइटी में NCC से जो कुछ भी सीखा है उसका फ़ायदा वो अपनी सोसाइटी को दे सकें। सर, इसके और क्या बेनिफिट्स है लाइक करियर में? NCC से कई फ़ायदे हमारे कैडेट्स को मिलते हैं। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, 9th और 10th में जो बच्चे NCC लेते हैं, उनको हायर एजुकेशन में जब वो स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो उसमें एडमिशन के लिए उनको उसका फ़ायदा मिलता है। जो हमारे सीनियर कॉलेज की कैडेट्स होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, उसको पहले तो आर्म्ड फोर्सेस में आने के लिए एज ए ऑफिसर एज वेल एज सोल्जर बनने में उनको जो B और C सर्टिफिकेट मिलता है, उससे उनको एडवांटेज मिलता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके अलावा जो कई सिविल जॉब्स हैं जिसमें कि आप ये प्रेफरेंस जो B और C सर्टिफिकेट हमारे NCC कैडेट्स होते हैं तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। गौरतलब है कि NCC के शिविर में कैडेट्स को युद्ध कला, सामाजिक सेवा, मैत्रीभाव, अनुशासन, व्यक्तित्व निखार और नेतृत्व कर सामाजिक उत्थान के विषय में जागरूक किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।